नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनूर मोहिते। आज हम जानेंगे पूरी डिटेल में और किस तरह से लोगों की यानी कि तकलीफ किस तरह से लोगों को तकलीफ होती है, यानी कि ट्रेन में सफ़र करते समय कई बार लोगों को तकलीफ सहना पड़ता है। यानी कि अगर आपको पैसेंजर की बात करें तो पैसेंजर में बहुत सारी भीड़ होती है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा गरीब और इतने ज़्यादा जो मिडिल लोग हैं, जो मिडिल हो या गरीब हो, ये सेकंड क्लास से जाते हैं, जिनके लिए सेकंड क्लास की और ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए सेकंड क्लास और पैसेंजर ट्रेन भी होना ज़रूरी है। लेकिन आजकल का ज़माना देख लीजिए, मोदी सरकार के इस कार्यकाल में ज़्यादा करके पैसेंजर ट्रेन रद्द करके उसकी जगह पर वंदे भारत जैसी एक्सप्रेस ट्रेन यानी नहीं दो पैसेंजर की जगह पर एक्सप्रेस ट्रेन शुरू किया है। लेकिन सच में एक्सप्रेस ट्रेन की इस दुनिया में इस लोगों को ज़रूरत है तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? उसके पहले जानते हैं क्यों नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इंसान सामान्य इंसान की बात करें तो सामान्य इंसान पैसेंजर से जाने के लिए बहुत अच्छे से जा सकता है, क्योंकि उनकी कमाई उतनी रहती है कि वो अपने ठीक ठाक से पैसे बचा कर जा सकता है और उससे ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है और अच्छी तरह से जा सकता है। लेकिन अभी के ज़माने में, अभी के जो ट्रेंड चल रहा है उसमें देखे जाए तो पैसेंजर की जगह एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी बड़ी बड़ी ट्रेन शुरू कर दी गई है। सच में इसकी ज़रूरत है तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि सामान्य लोगों को ज़्यादा करके जनरल डब्बा यानी कि पैसेंजर ट्रेन की ज़रूरत होती है। और इसी के चलते अगर मोदी गवर्नमेंट ने जो कि ये वंदे भारत जैसी एक्सप्रेस जो शुरू की है, उससे पहले पहला सोचना ज़रूरी है कि सच में इस ट्रेन की लोगों की ज़रूरत है या पैसेंजर ट्रेन की। क्योंकि इसका जो अगर टिकट की बात करी जाए तो लोगों को परवड़ने वाला नहीं है, यानी कि लोगों को पॉसिबल नहीं जाने के लिए। क्योंकि जो लोग छोटी रोटी मतलब जो दिन का कमाते हैं, मतलब जो भी कुछ खर्चा होता है 200-300, उसमें जो खरीदने वाला लोग है इसे नहीं जा सफ़र कर सकते। क्योंकि अगर इस ट्रेन की आप अगर बात करेगा, आप इस वीडियो में देख सकते, इस फोटो पर देखने के बाद आपको पता चलेगा सच में जनरल डब्बे में कितनी भीड़ होती है। एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में पैसेंजर ट्रेन में ज़्यादा घर के ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि लोगों उतना खर्चा ही उतना होता है जैसा कि वो पैसेंजर से ही जा सकते हैं। और जनरल डब्बे की बात करें तो जनरल डब्बे में जगह चढ़ने के लिए नहीं होती है, और अंदर जाके देखोगे तो भीड़ होती है, भीड़ बहुत सारे लोगों तकलीफ़ उठा के जाना पड़ता है। कई लोगों को 12-12 घंटे का सफ़र खड़े होके करना पड़ता है, और कई लोगों के बाथरूम में भी जाके बैठ जाते हैं। इस तरह से हालत रहते हुए भी अगर गवर्नमेंट वंदे भारत जैसी स्पेशल ट्रेन यानी एक्सप्रेस ट्रेन जो ऐसी अगर चला रहा है, कितना बहुत दुखद है। क्योंकि लोगों की पहली बात करें तो लोगों को ज़्यादा करके गरीब लोगों की सेवा के लिए उनको ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं चाहिए, लेकिन उनको जाने के लिए सफ़र करने के लिए ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन की ज़रूरत है और जनरल डब्बे की ज़रूरत है। अगर एक्सप्रेस की बात करें तो खाली उसको 3 डब्बा जनरल होता है, और 3 डब्बे में कितने यात्री जा सकते हैं। जैसे अगर कभी आप जाओगे तो जनरल डब्बे में सीज़न में या कभी भी जाओगे तो जनरल डब्बा कभी भी फुल मिलेगा, क्योंकि उसमें जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। और कई लोग ऐसे सोचते हैं जाने के लिए अगर खर्चा ज़्यादा होता है, उससे अच्छा अगर बचा के जाएंगे, कम खर्चा में जाएंगे तो जनरल डब्बा में जाते हैं। इसलिए आपको अगर लगता है सच में जनरल डब्बा में जाना चाहिए तो ट्वीट करके आप भी रेल मंत्री को निवेदन करें कि सच में सर जनरल डब्बे की ज़रूरत है, और उनको टैग भी करो, क्योंकि आप लोगों की जो भावना है, आप लोगों की सच में जो ज़रूरत है उन तक पहुंच जाए। कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये ट्रेन के जनरल डब्बे की इमेज यानी फ़ोटो क्लिक करके रेल मंत्री को ट्वीट कर दिया है, रिप्लाई कर दिया है, और लोगों को उन तक वो बात पहुंचाने के लिए आप भी उसके साथ सहमत हो जाओ और आप भी कमेंट करो। सच में अगर आपको कुछ बात अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय भारत।